हुआ समाप्त। आगे स्क्रूटनी रिजल्ट की बारी। जी हाँ, अब सभी छात्र अपना अपना स्क्रूटनी रिजल्ट यहाँ पे चेक कर पाएंगे। आपको बता दें कि स्क्रूटनी के लिए यहाँ पे आपको जरूरत क्या पड़ेगी, तो आपको जरूरत पड़ेगी रोल कोड और रोल नंबर, यानी कि रोल कोड और रोल नंबर से डायरेक्ट अपना स्क्रूटनी रिजल्ट जो है वो चेक कर पाएंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से इंटर के छात्रों के मार्क्स बढ़े हैं, उसी प्रकार से मैट्रिक के छात्रों के भी मार्क्स बढ़े हैं। तो आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो इंटर के चेक करेंगे, और मैट्रिक का स्टूडेंट हो तो मैट्रिक का चेक करेंगे। कैसे चेक करना है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें कि कल ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपडेट जारी किया था आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। कंपार्टमेंटल एग्जाम जो है उसका डेट शीट जो है वो जारी कर दिया गया था। अब जो भी छात्र जो है यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किए थे, वो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अपना चेक कर पाएंगे। ध्यान देंगे कि जिनका स्क्रूटनी सक्सेसफुल हुआ था उन्हीं का रिजल्ट शो करेगा, यानी स्क्रूटनी के बाद बहुत सारे छात्र जो है स्क्रूटनी का पेमेंट जमा नहीं किए थे, जिस वजह से उनका रीचेक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यानी कि जो छात्र ने सही से पेमेंट किया था, सक्सेसफुल स्क्रूटनी किया था, चाहे वो दो विषय में किए हैं या तीन विषय में किए हैं, और कुछ छात्रों ने पांचों विषय में कर दिया था, तो वो सभी अपना मार्क्स जो है वो चेक कर पाएंगे। मार्क्स चेक करने से पहले ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखा रहेगा आपका बिफोर स्क्रूटनी मार्क्स, ठीक है, आफ्टर स्क्रूटनी मार्क्स, और उसके बाद लिखा रहेगा इसमें कितना चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बिफोर स्क्रूटनी मार्क्स आपके 20 नंबर थे, ठीक है, आफ्टर स्क्रूटनी जो है वो उसमें आ गया आपका 30 नंबर, तो यहाँ पे कितना का मार्क्स बढ़ा है, तो यहाँ पे 10 नंबर का। अगर आपका बिफोर स्क्रूटनी जो था वो आपका 35 नंबर था, है ना, और आफ्टर स्क्रूटनी भी 35 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज, इसका मतलब आपके मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों रह गया है। इसका मतलब आपने कमेंट में अच्छे से नहीं लिखा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक बॉक्स था, बॉक्स में फिल करना था कि आपको किस लिए मार्क्स बढ़ा रहे हैं, यानी क्या रीजन से आपको लग रहा है कि मार्क्स में कमी पाई गई है। तो अगर वो रीजन दिए होंगे तो आपका मार्क्स बढ़े होगा, अगर रीजन आप नहीं दिए होंगे तो आपको नो चेंज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो नो चेंज लिखा हुआ आएगा तो क्या करना है, फिर से कैसे सुधार करवाना है, सब कुछ इस चैनल पे आपको जानकारी दी जाएगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ हूँ, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका स्क्रूटनी में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपके सारे समस्या का सलूशन जो है इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको गूगल में आके सर्च करना है 12th स्क्रूटनी 2023 बिहार हेल्प, तो सबसे पहले आएगा बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी रिजल्ट 2023 का डायरेक्ट लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे की ओर जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। कब से ये लिंक एक्टिव होगा, कितना मार्क्स बढ़ेगा, आप कैसे देख पाएंगे, इसकी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले लिंक की बात करें, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे है, जो कि आपका 2 से 3 दिन में ये लिंक जो है वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है, बस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करने वाली है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे आपका कितना मार्क्स बढ़ा, कैसे बढ़ा, आप कैसे चेक कर पाएंगे वो यहाँ पे समझ लीजिए। आपको बता दें कि जो स्क्रूटनी का रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे आपका फाइनल रूप से तैयार कर लिया गया है इंटर और मैट्रिक का। सबसे पहले आपका इंटर का स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, उसके 3 से 4 दिन के भीतर जो है आपका मैट्रिक का स्क्रूटनी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें कि फाइनल टच यहाँ पे चल रहा है स्क्रूटनी का, जो भी छात्र आवेदन किए थे एक एक करके सभी छात्र अपना चेक कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो बने रहे इस चैनल पर, रिजल्ट जो है किसी वक्त यहाँ पे जारी हो सकता है, जैसे ही जारी होगा सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स यहां पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है आज कल परसों कभी भी अचानक से जारी हो सकता है, क्योंकि फाइनल टच में रिजल्ट यहां पे चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, बने रहे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।